तो आज हम आ चुके हैं नोएडा एक्सटेंशन के बहुत ही डिमांडिंग एंड हॉट प्रोजेक्ट में, जिसमें आपको अफोर्डेबल रेट पे लग्जरी फील करने का मौका मिलता है। मींस यू आर गोइंग टू गेट लग्जरी इन अफोर्डेबल प्राइस। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट के लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो हम आ चुके हैं ये रोड जो स्ट्रेट आपको जाता है चार मूर्ति, पीछे जाएंगे तो आप एन 24, सामने आप देख रहे हैं गौर का 14th एवेन्यू का स्टूडियो एंड कमर्शियल हाई स्ट्रीट दिख रहा है। इधर से आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे आपका क्रॉसिंग रिपब्लिक, इधर प्रोजेक्ट्स आते हैं आपका 14th एवेन्यू, देन पीछे वीआईपी रक्षा डेला, इनका कमर्शियल हाई स्ट्रीट, साथ में लगा पुलिस चौकी, पीछे इसके जो है स्टूडियो अपार्टमेंट्स। ये है हमारा प्रोजेक्ट 14th एवेन्यू ऑफ गौर सिटी, वेरी हॉट एंड डिमांडिंग प्रोजेक्ट, काफ़ी बढ़िया लोकेशन, कॉर्नर का प्रोजेक्ट है, टू साइडेड ओपन, पीछे इसके वीवीआईपी, देन इसके पीछे रक्षा अड्डा, उसमें भी कुछ यूनिट्स अवेलेबल हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम। ये इसका एक साइड है फर्स्ट एंट्री, अभी ऑपरेशनल नहीं है बिकॉज कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे ख़त्म हो जाए कंस्ट्रक्शन वो वाला गेट भी ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी हम चलते हैं स्ट्रेट और एंट्री लेते हैं इसके मेन गेट से। ये है इसका मेन गेट, अभी फ़िलहाल यही ऑपरेशनल है, काफ़ी बिजी रहता है बिकॉज अभी फ़िलहाल यही ऑपरेशनल है। और एंड ये हम आ चुके हैं गेट के अंदर, एज यू कैन सी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रहती है, एक ही अभी फ़िलहाल ऑपरेशनल है ये एंट्री, बाद में इसके एंट्री ऑपरेशनल हो जाएगा दूसरा वाला। ये हम चलते थोड़ा आगे, ये ओपन पार्किंग में आपने लगा रखे हैं, ये वीवीआईपी बगल में आप देख सकते हैं वाइट कलर का, काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट है वो भी, उसमें भी कुछ यूनिट्स अवेलेबल है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एज मैंने बताया जैसे आपको। चलिए तो हम अपने चलते हैं पोडियम पे, अब वी आर गोइंग टूवर्ड्स पोडियम, हम पोडियम पे आ चुके हैं। अब इसमें क्या है कि काफ़ी गौर के बाकी जो एवेन्यूज उससे थोड़ा इसका डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है इस एवेन्यू में, काफ़ी डिमांडिंग है प्रोजेक्ट बिकॉज गाज़ियाबाद से बहुत ही पास पड़ता है, प्लस चार मूर्ति से भी पास पड़ता है। एंड ये देखिए टावर्स, इसमें से जो टावर्स हैं सब सोल्ड आउट हैं, कोई फ्रेश यूनिट नहीं है, रीसेल ऑप्शन मिलता है, रीसेल के लिए आप एक बार पूछ सकती हैं। बाकी वाह, अभी बारिश हुई थी फ़िलहाल तो इसीलिए थोड़ा आसपास कीचड़ हो रखा है। बाकी नीचे देखिए, ये जो नीचे है अंदर से हमें पार्किंग देखने को मिल जा रहा है, बच्चे बगल में खेल रहे हैं राइट हैंड साइड पे, एज यू कैन सी प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे हैं बिल्कुल मस्ती में अपने। ये प्लेग्राउंड हो गया बच्चों का, झूले वगैरह लगे हैं, ये इनका हो गया, सामने आप देख सकते हैं बैडमिंटन का कोर्ट है, उसके बगल में एक और कोर्ट दे रखा है, काफ़ी बड़ा सा ह्यूज कोर्ट है, एंड काफ़ी इनका ग्रीन एरिया। बाकी एवेन्यूज में देखेंगे तो आपको आर्टिफिशियल ग्रास देखने को मिलता है, इसमें आपको नेचुरल ग्रासेस देखने को मिलते हैं। तो सनलाइट काफ़ी अच्छी आ रही है, अभी बारिश जस्ट हुई थी एक दो दिन पहले। ये इनका क्लब हाउस, एज वी कैन सी इनका क्लब हाउस जो है काफ़ी बड़ा स्पेशियस है। जो 14th एवेन्यू है इसमें जो न्यू टावर बन रहे हैं, टावर PQ जो रेडी टू मूव इन है, इसमें जो दो टावर और हैं, चारों टावर का साइज़ 1175 स्क्वायर फिट है 2+1, तो ये साइज़ अभी अवेलेबल हैं, जिसमें रेडी टू मूव इन सोल्ड आउट हो चुका है, रीसेल ऑप्शन है, इसमें कुछ यूनिट्स पड़ी हैं मेरे पे, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको फ्रेश यूनिट मिल जाती हैं। इनका क्लब हाउस है, ऊपर टावर जा रहा है, ये इनका स्विमिंग पूल हो गया, ये जो इनके टावर्स बन रहे हैं पीछे आप देख सकते हैं, स्टूडियो का टावर दिख रहा है, ये 975 का टावर, दो जो बन रहे हैं ये दो PQ टावर। चलिए PQ टावर में अब एंट्री करते हैं एक बार, तो हम PQ टावर के जो सामने आ गए हैं, अब एंट्री देखते हैं। इसमें सैम्पल फ्लैट भी हम देख लेंगे एक बार, सैम्पल फ्लैट है काफ़ी लग्जरी, काफ़ी सुंदर सैम्पल फ्लैट बना रखा है, एक आइडल फ्लैट कैसा दिखता है, होम कैसा दिखता है, कुछ इस टाइप का आपका बना रखा है। नीचे देख सकते हैं पार्किंग का, ये नीचे है इनका, हम चलते हैं, ये इनका लॉबी एरिया हो गया, पार्किंग से जब एंट्री करेंगे तो इनका लॉबी एरिया हो गया। ये हर फ्लोर पे चार लिफ्ट हैं, 8 फ्लैट हैं,
सेम साइज़ है, 1175 स्क्वायर फीट, 2+1 का साइज़ है, 2 बेडरूम + 1 स्टडी रूम कह लीजिए, या फिर इसे 3rd बेडरूम कर लीजिए, छोटा सा 10x10 का। तो ये ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है, लोग रहना स्टार्ट कर चुके हैं। जब तक जब ये वीडियो शूट हो रही है अब तक ऑलमोस्ट 6-7 ये लोग रहना स्टार्ट कर चुके हैं। ये हम आगे सैम्पल फ्लैट में देखिए कितना शानदार बना रखा है। इसका डाइनिंग एरिया हो गया, काफ़ी स्पेशियस है। इसका 10x10 का एक रूम जो एक्स्ट्रा दे रखा है। बाकी जो 7th एवेन्यू का मैंने वीडियो बनाया है, होप आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप ज़रूर देखें मेरे चैनल पर जाके। इसमें 1075 का साइज़ है, 1175 का साइज़ है, 100 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। इसमें एक रूम एक्स्ट्रा दे रखा है। इनका वॉशरूम हो गया जो कि इस बेडरूम से अटैच है, प्लस ये आपका कॉमन वॉशरूम भी हो गया। काफ़ी देखिए कितना शानदार इसका इंटीरियर कर रखा है। ये इनका किचन एरिया हो गया, किचन एरिया आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है। एंड जो इसका एक दे रखा है, ये आपका वॉशिंग एरिया हो गया, किचन के साथ लगा हुआ है। इधर अपना वॉशिंग मशीन या फिर जो भी अपना वॉशिंग एरिया रख कर सकते हैं। बाकी एक बार देख लेते हैं इनका फर्नीचर वगैरह कैसे लगा रखा है। वैसे ये आपको ऐसा एग्जैक्टली नहीं मिलेगा फ्लैट जो है, बिल्डर ऐसा कुछ करके नहीं देता। ये सैम्पल फ्लैट है जस्ट फॉर व्यू कि आप अपने फ्लैट को कैसे बना सकते हैं या एक आइडियल फ्लैट कैसा दिखता है। तो इनका फर्नीचर है देखिए बढ़िया बना रखा है, कुछ ऐसा काफ़ी अच्छा फर्नीचर लगा रखा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। नाइस, इट्स नाइस। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, @irealty365। उस पर मैं रील्स वगैरह डालता हूँ, हॉट डील्स जो आते हैं रियल इस्टेट में वो डालता रहता हूँ। ये हम आ गए मास्टर बेडरूम में, काफ़ी बड़ा है मास्टर बेडरूम, काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम क्वालिटी का फील दिलाता है, काफ़ी लग्जरी फील कराता है। ये हम इसके वॉशरूम में आ गए, एज यू कैन सी कितना शानदार है। अब हम इसके बालकनी में चलते हैं। जैसे कि आपको पता हो गौर की खासियत होती है इनकी बालकनी काफ़ी बड़ी काफ़ी स्पेशियस होती है। इसमें चाहे तो आप कवर करा के एक अपना ऑफिस बना सकते हैं छोटा सा, लेकिन परमिशन लेना पड़ेगा आपको। एक बार आप पूछ लीजिएगा सोसाइटी के RWA से कि आप बना सकते हैं नहीं, काफ़ी स्पेशियस है। अब हम ये देखते हैं रॉ फ्लैट जो है इनका, रॉ फ्लैट नहीं, इसमें थोड़ा काम चल रहा है अभी, पूरा रॉ नहीं बोलेंगे आपको, ऐसा नहीं मिलेगा। इन्होंने जस्ट पोजीशन लिया है, इनका काम स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी ऑलमोस्ट 6 फैमिलीज अब के डेट तक यहाँ पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं। ये व्यू हो गया हमारा पार्क व्यू, नीचे आप देख सकते हैं पार्क का व्यू जहाँ से हमने एंट्री की थी। अब हम दूसरा व्यू देख लेते हैं, इसका जो व्यू है स्विमिंग पूल वाला व्यू, वो वाला व्यू देख लेते हैं। ये दोनों व्यू अवेलेबल हैं 1175 स्क्वायर फीट वाले साइज़ में, 2+1। जो इसका रेट है आपका अराउंड 46-45 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं कि अभी कौन सा यूनिट है, क्या रेट है, जो भी है। अगर आपका इंटरेस्ट आता है, विज़िट करने का प्लान है, यू कैन DM अस ऑन इंस्टाग्राम। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था 14th एवेन्यू, काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल, लव यू।